हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 29 जनवरी, तो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए थोड़ा सा आज फास्ट देखेंगे क्योंकि ये दूसरी बार वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो ये देखिए पहली जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट नॉट सीरियस अबाउट बजट सेशन, ऐसा अपोजिशन ने आरोप लगाया। और अपोजिशन ने ये आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 4 वर्किंग डेज हैं, ठीक है ना। तो जो डेज अलाट किए गए हैं वो हैं 5, 6, 7, 8। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4 वर्किंग डेज अलाट किए गए हैं, जो जो कि बहुत ही लिटिल टाइम है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम वक्त है क्योंकि इनके पास इश्यूज़ बहुत हैं। और इश्यूज़ जो ये मेन डिस्कस करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जुडिशरी में क्राइसिस हुई थी वो, इसके अलावा GST इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड और फार्मर डिस्ट्रेस का मुद्दा इनके पास है। तो ये कह रहे हैं कि इन सब मुद्दे को उठाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 4 दिन आपने अलॉट किया है। तो इसी पे अपोजिशन की थोड़ी नाराज़गी है, राइट। अब देखते हैं कि ये सेशन कैसा जाता है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखिए, ये रोजर फेडरर ने अपना 20वां खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। कल इन्होंने मार्लिन क्लिक को हरा के ये 20वां खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो इनसे देखिए रोजर फेडरर के नाम 20 हो गए और राफेल नडाल अभी जो है उनके नाम 16 है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा पीछे हैं उनसे। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए ये कल 28 जनवरी था, तो कल का जो डे था वो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है बच्चों को। और अगली न्यूज़ देखिए, डोंट वांट हेल्प आफ्टर आई रिटायर चेलमेश्वर। तो ये वो जजेस कोलेजियम के जज हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो इन्होंने कहा है कि मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है रिटायरमेंट के बाद। और चूंकि इन पे आरोप था कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इनका थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो इन्होंने कहा कि मुझे आफ्टर रिटायरमेंट मुझे किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी भी गवर्नमेंट को जॉब के लिए अप्रोच नहीं करूँगा, राइट। ये देखिए कर्फ्यू जो है लगाया गया है कासगंज में, यूपी के कासगंज में। अभी जो एक वायलेंस वहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है, कम्युनल वायलेंस, उसकी वजह से वहाँ पे कर्फ्यू है और पीस मीटिंग भी हेल्ड की गई है, राइट। अगली न्यूज़ देखिए, ये है डॉग बाइट पे विक्टिम को 20 लाख रुपए देने से रिलेटेड। तो उस पे केरला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये जो है आपने जो ऑर्डर दिया है ये 20 लाख बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। कंपनसेशन के नाम पे सिर्फ डॉग बाइटिंग के कंपनसेशन के लिए 20 लाख बहुत ही ज़्यादा है ये, राइट। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे लिए। ये देखिए, ये एम्पेडा टाइज अप विथ स्विस कोऑपरेटिव, राइट। तो एम्पेडा क्या है? एम्पेडा देखिए है, ये हमारी मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो इन्होंने एक टाई अप किया है स्विस जो कंपनी है कूप के साथ। और ये बेसिकली इसलिए है, जो हमारे वहाँ सी फूड जो होता है उसको कह रहे हैं कि उसके डेवलपमेंट के लिए या हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि सी फूड की यूरोपियन यूनियन में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। तो यही कह रहे हैं कि इसका मकसद ये है टू डेवलप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक एक्वा फार्मिंग इन इंडिया टू कैटर टू द ग्रोविंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक सी फूड प्रोडक्ट्स अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक सी फूड होते हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, तो इसलिए ये टाइप किया गया है और ये एक तरीके से हमारे एक्सपोर्ट को भी और बढ़ावा देगा, राइट। इसके अलावा इन्होंने देखिए ये कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही है कि हमारे लिए फॉर अस ऑर्गेनिक इज़ नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द फ्यूचर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और ये कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि हमारे लिए एक फ्यूचर है। और वी रिटेलर विद द डीप सीटेड कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड वर अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू गेट फार्मर्स इन टू पोजिशन वेयर दे कैन रेडली अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी को गेन किया जा सके, राइट। और इसके अलावा देखिए ये देखिए, रिपब्लिक डे पे जो झांकियाँ निकली थी उसमें जो पहला प्राइज़ मिला है वो महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसको दिया गया है, ठीक है। तो ये बेस्ट थी शिवाजी महाराज पे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ये पिक्चर भी यहाँ पे। और पुणे एयरपोर्ट गेट्स डिफेंस अप्रूवल, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको एक तरीके से मंजूरी मिल गई है पुणे में, राइट। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए अगली न्यूज़ है, पुणे
प्रिपरेटरी फॉर बैटल अगेंस्ट स्यूडो साइंस। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने अर्ज किया है लोगों से कि जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होते हैं उसको एक तरीके से उसको कर्व करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है कि जो क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो तंत्र और इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते हैं और अपनी डिजीज़ के लिए और अपनी जो भी ख्वाहिशें होती है उसको पूरा करने के लिए लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो उसी को इन्होंने कहा है कि लोगों से अपील की है कि कॉल्ड फॉर ए मास मूवमेंट टू प्रोटेक्ट साइंस, ठीक है ना, कि साइंस की आप रक्षा कीजिए एंड वेज अ बैटल अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड रिचुअल्स एट अ टाइम वे दोज इन पावर वर प्रोपोगेटिंग स्यूडो साइंस, ठीक है ना। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो स्यूडो साइंस का यूज़ करते हैं उसको कर्व करने की ज़रूरत है। और इन्होंने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 उसका भी इन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 51 जो है एम्पावर करता है पीपल को टू ओपन अ न्यू फ्रंट इन द स्ट्रगल टू सेफ गार्ड साइंस, ठीक है ना, ताकि साइंस की रक्षा की जा सके, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एफोर्ट्स टू इंक्रीज साइंस साइंटिफिक अवेयरनेस हैड टू बी टेकन अप टू इक्विप पीपल टू इन्वोक आर्टिकल 51 अगेंस्ट अटेम्प्ट टू प्रोपेगेट सुपरस्टिशियस, राइट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। और बढ़ते आगे, पल्स पोलियो देखिए डाउनटिंग टास्क विथ टीन मदर्स, तो ये डिस्कस कर लिया हमने। और ये देखिए ये जो ये पिक्चर है ये लखनऊ में अवध शिल्पग्राम जो है उसकी है, लखनऊ महोत्सव बनाया जाता है हर साल, ठीक है ना, तो वहाँ की ये पिक्चर है। और ये देखिए कल एक एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था MRI में, एक बहुत ही मतलब दर्दनाक मौत हो गई थी एक बंदे की। तो चूँकि MRI जो होती है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, ठीक है, तो बहुत ही हायर ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स इसमें लगे होते हैं जो कि कोई भी मेटल या उस टाइप की चीज़ होती है तो उसको ये अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है इसमें, थोड़ा सा MRI के बारे में डिटेल दी हुई है। ये देखिए कह रहे हैं कि ये जो MRI होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है और ये कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 times मैग्नेट इज अबाउट 30,000 times एज पावरफुल एज अर्थ मैग्नेटिक, राइट। और ये कह रहे हैं कि 200 गुना स्ट्रांगर होता है रेफ्रिजरेटर जो मैग्नेट लगा होता है उससे ज़्यादा उससे, ठीक है। और ये जो देखिए MRI करने के लिए स्कैन रूम में किन किन चीज़ों को ले जाने से मना किया जाता है, जैसे वॉचेस, फोन्स, ज्वेलरी, ठीक है, और हियरिंग एड्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब ले जाने से लोगों को मना किया जाता है। और ये MRI यूज़ किस लिए होती है, देखिए सबसे पहले MRI को ये बनाई गई थी 1970s में, उसका फर्स्ट यूज़ हुआ था 1977 में, राइट। और ये यूज़ किस लिए होती है, तो देखिए आपकी पूरी बॉडी की इमेजिंग के लिए। इसमें देखिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स एंड जॉइंट्स, ब्रेस्ट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इंटरनल आपके ऑर्गन्स जो है, ठीक है, लीवर जैसे हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, वर्ब इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, पेसमेकर के लिए, नर्व स्टिमुलेटर विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट टू क्योर नर्व पेन, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिफिब्रिलेटर, इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट। तो थोड़ा सा MRI के बारे में देखा। इसके अलावा देखिए एक प्ली दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जैसे OBC में एक प्रोविज़न है, OBC में क्रीमी और नॉन क्रीमी का एक डिस्टिंग्विशन है, तो उसमें उसी तरीके से ये SC ST के लिए भी ये कह रहे हैं, क्योंकि जो क्रीमी लेयर होती है, क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि ये एफ्लुएंट क्लास होता है, मतलब ये ऑलरेडी मतलब इनके पास सब कुछ होता है, ये एक तो मतलब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होती है और चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो सोशल कंडीशन भी इनकी बेहतर मानी जाती है, ठीक है। तो उसी पे कह रहे हैं कि जो लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और इनको मतलब नहीं लगता कि रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो उसी को ये कह रहे हैं कि उसमें भी क्रीमी लेयर फॉर्म की जाए और कोटा प्रोवाइड करने के लिए, राइट, ताकि ये जो नीडेड लोग हैं उनको इस कोटे का फ़ायदा मिल सके, जो ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाए, राइट। और ये देखिए एक पिछली बार ये कहा गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट ने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको जो बंगला अलॉटमेंट होता है वो जब वो अपनी ऑफिस डेबिट करते हैं, मतलब जिस दिन से वो चीफ मिनिस्टर ख़त्म हो गए उस दिन से बंगला उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में देखिए इन्होंने ये कहा कि नहीं, उनको प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, तो फार्मर CM एलिजिबल फॉर प्रिविलेजेस यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और इन्होंने ये कहा है
कि वो एज द होल्डर ऑफ दिस सच हाई पोस्ट इन अ डेमोक्रेटिक नेशन एज इन आवर्स, इट बिकम्स इंपरेटिव दैट इवन आफ्टर डिमिटिंग ऑफिसेज सर्टेन प्रिविलेजेस आर प्रोवाइडेड टू सच पर्सन. ठीक है, इन्होंने ये कहा कि हमारे डेमोक्रेटिक नेशन में चूंकि एक ऐसी पोजिशन पर ये बंदे रह चुके हैं, मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर, तो उनको इवन एक्स चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए. ठीक है, तो हालांकि इसका विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि ये आर्टिकल जो 14 है इसका वायलेशन है. आर्टिकल 14 का वायलेशन किस सेंस में है, ये कह रहा है कि क्योंकि आप जब एक बार ऑफिस डेबिट करते हैं तो आप एक नॉर्मल सिटीजन हो गए. ठीक है, और जब नॉर्मल सिटीजन के तौर पे आप लोगों को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए. तो ये सारी बातें हुई थी. और अगली देखिए, एक बुक आई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, और उसमें ये फाइनली ये कहा गया है कि जो इनकी डेथ हुई थी वो 1945 का जो क्रैश था उसी में इनकी डेथ हुई थी. राइट, और 18 अगस्त 1945 को जो क्रैश हुआ था. और ये कह रहा है कि एक जैसे एक मिस्ट्री चूंकि इस डेट इनकी डेथ से रिलेटेड अभी भी बरकरार है, और लोगों का ये भी मानना है कि ये इस क्रैश में बच गए थे, लेकिन अपने आप को अरेस्ट होने से बचने के लिए इन्होंने मतलब इसके वहाँ से भाग गए और फिर उन्होंने कभी अपने आप को शो नहीं किया. राइट, तो ये सब चीज़ें हैं. तो इस बुक में ये कहा गया कि नहीं, ये वो क्रैश हुआ था और उसी में इनकी डेथ हुई है. राइट, अगली न्यूज़ देखिए, बाईपोल इलेक्शन होने. बाईपोल इलेक्शन क्या होते हैं, देखिए कोई भी जब जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसकी अगर अचानक डेथ हो जाती है, या वो अगर सीट छोड़ देता है, ठीक है, या एमएलए होके अगर वो किसी और सीट पे एमपी का इलेक्शन जीत जाता है तो उसे एक ऑफिस छोड़नी होती है, तो वो जो सीट खाली होती है उस पर इलेक्शन होते हैं, उसी को कहा जाता है बाईपोल इलेक्शन. तो ये हो रहे हैं अभी राजस्थान में होने वाले हैं. राइट, और देखिए फॉरेन सेक्रेटरी एक विजय गोखले ये अज्यूम करने वाले हैं आज ये चार्ज को. ठीक है, तो ये हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी होंगे. तो इसके अलावा हाँ, मोदी जी ने देखिए कहा है लॉर्ड्स वुमेन पावर, तो इन्होंने ये सारी बातें कही है मन की बात में. और इन्होंने कहा है कि इफ़ इंडिया हैज़ टू प्रोग्रेस एंड रीच न्यू हाइट्स, ठीक है, अगर कह रहे कि अगर हमें इंडिया को प्रोग्रेस करना है और एक नई ऊंचाइयों को छूना है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम विमेन जो होती है वो शोल्डर से शोल्डर मिला के बैर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके. राइट, कह रहे कि इसके बिना जो है ये सक्सेस जो है प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है. इन्होंने कोट भी किया है, देखिए जो स्कंदा पुराण है उसको इन्होंने उसमें क्यों उसमें ये कहा गया है कि वन गर्ल चाइल्ड वाज इक्वल टू 10 male children. ठीक है ना, तो एक जो गर्ल होती है वो 10 boys के बराबर होती है, ऐसा इसमें ये कहा गया है. इसके अलावा अभी तक कुछ 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ हमने डिस्कस की थी कि एक सुसाइड बम्बर जो पकड़ी गई है और आईसिस से वगैरह से अलकायदा वगैरह से इसका कॉन्टेक्ट है, तो इस पर देखिए फिलहाल ये इन्होंने कन्फर्मेशन दिया है कि इसका कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक नहीं है, ये किसी बंदे से शादी करने के चक्कर में कश्मीर गई हुई थी. राइट, और कह रहे कि कोई भी एक्सप्लोसिव भी उसके पास नहीं पाया गया है. और इसके अलावा पीस बीट कासगंज डिनर भी हमने डिस्कस कर लिया. इसके अलावा देखिए करजई ने जो अभी काबुल में अटैक हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो फिर पाकिस्तान को ही इन्होंने ब्लेम किया और यूएस से कहा है कि इस पे टफर क्या नाम है एक्शन लिया जाए. राइट, और ये जो झांकी थी देखिए इसमें यही कह रहे हैं कि पंजाब रेजिमेंट ने इसमें अवार्ड जीता है. इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है एवं द पैरामिलिट्री एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज इन द रिपब्लिक डे. राइट, तो पंजाब रेजिमेंट को अवार्ड दिया गया. इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र को पहला अवार्ड दिया गया. राइट, और जो तीसरा अवार्ड है वो दिया गया था आपका छत्तीसगढ़ की जो रामगढ़ एंशिएंट एम्फी थिएटर जो पेश किया गया था जो कि कालिदास के मेघदूतम पे आधारित है, उसको मिला था थर्ड अवार्ड. राइट, और ये सारी अवार्ड देखिए अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ था 103 लोग इसमें मारे गए थे. राइट, और ये देखिए द वैली हेल्ड आफ्टर प्रोटेस्ट, तो रशियन पुलिस ने इनको अपोजिशन लीडर जो है अलेक्सी नेवल्नी इनको गिरफ्तार कर लिया है. राइट, ये प्रोटेस्ट के आरोप प्रोटेस्ट कर रहे थे ये. और रिपब्लिकन क्विट्स आफ्टर मिस कंडक्ट क्लेम, तो इन्होंने देखिए एक रिपब्लिकन है इनका नाम है बोगुल स्टेट विन रिजाइन आफ्टर, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है ऑफ चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टीज फंड रेजिंग आर्म. ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता होगा अभी कुछ दिनों पहले एक इशू उठाया गया था जिसमें
नहीं सॉरी, देखिए इन्होंने क्विट्स किया है ऑफिस को, इन पे आरोप था कि इन्होंने मिसट्रीट किया है वेबर को, ठीक है ना। तो इन पे सेक्सुअल अनवांटेड सेक्सुअल एडवांस का इन पे आरोप है, राइट। इसके अलावा देखिए जेल टर्म फॉर खालिदा स्पेल अर्नेस्ट, ये कह रहे हैं कि अभी देखिए खालिदा ज़िया जो है एक वहाँ की बांग्लादेश नेशनल बीएनपी की जो पार्टी की जो चीफ है, इनको जेल टर्म की बात हो रही थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट पर की डिमांड की गई थी। तो इससे कह रहे कि इससे वहाँ पे काफ़ी अर्नेस्ट फैल सकता है, राइट। तो ये देखिए गवर्नमेंट में अल्टर इंसॉल्वेंसी लॉ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंसॉल्वेंसी लॉ में कुछ चेंज कर सकती है, क्योंकि देखिए ऐसा मतलब ऐसा आरोप था, पैनल लुकिंग इन टू द क्लेम्स दैट आईबीसी वाज स्क्यूड इन द फेवर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिट, ठीक है ना। तो पैनल जो कह रहे हैं कि ये जो ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि जो आईबीसी है यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं उनके फेवर में है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इसी परसेप्शन को दूर करने के लिए इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ताकि जो जो लॉ है ये एक तरीके से बैलेंस हो और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो सबके हित में हो, ठीक है ना। तो ये क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ क्रेडिटर के हित में है, तो वो ये ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। ये चाहते हैं कि जितने स्टेक होल्डर इसमें शामिल हो सबको पूरा पूरा उनको मतलब उनके हितों का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर सीक्स अ लेग अप फ्रॉम गवर्नमेंट, तो कह रहे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से अब स्टैग्नेंट हो गया है, तो इसमें करें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, राइट। तो उसमें डिटेल दी हुई है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री अर्जेस सिंगल जीएसटी रेट और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो इन्होंने कहा है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह में देखिए ये यूज़ होता है, होता यूँ है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे रेल रोड, ठीक है ना, रेल रोड सी एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब एक से ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज़ किया जाए तो उसको कहेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। तो उसी को कह रहे हैं कि इसमें सिंगल जीएसटी रेट की को लिए जाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि टू इम्प्रूव लॉजिस्टिकल सर्विसेज एंड रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द ऑटोमोबाइल फैक्चरर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर अगर जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन को अगर इम्प्रूव करना चाहती है, तो एक तो और कंप्लायंस को बढ़ाना चाहती है, तो ये क्या करना होगा, सिंगल जीएसटी रेट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाना होगा, ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पैक्ट कुड हर्ट इंडिया, ऐसा किसी देखिए एक बुक में कहा गया है, कह रहे कि इफ़ इंडिया वर ज्वाइन टू मेगा जो ये है आपका रीजनल फ्री ट्रेड जो है एफटीए है टीपीपी एंड एडॉप्ट इट्स नाम, दे वुड सेवरली हर्ट द कंट्रीज एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड द जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने कहा गया है इस बुक में, ये कहा गया है कि अगर इंडिया जो होती है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको अगर ज्वाइन करती है जो टीपीपी को, तो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से इंडिया की जो एग्रीकल्चर है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर उसको धक्का पहुंचेगा, ठीक है ना, वो उससे अफेक्टेड होंगे। तो ऐसा इनका आरोप है, अब देखते हैं। और अगली न्यूज़ ये स्पोर्ट्स की न्यूज़, राइट। और एक और न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, हाँ देखिए 31 जनवरी को कह रहे हैं कि सुपर ब्लड मून आप लोगों को दिखाई देगा, जो कि बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। तो ये 36 साल के बाद कह रहे हैं कि ये दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें जो होगा मून जो होगा वो 14% लार्जर होगा और 30% करीब ब्राइडर होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा ये तीबा ट्राइबल है, ये कार्बी अंगलांग डिस्ट्रिक्ट जो असम का, वहाँ की ये तीबा ट्राइबल्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।